रामायण देखी आपने? अकेले मेघनाद का कैरेक्टर ऐसा था जो दो बार शाम को वापस गया, एक दिन तो नागपाशा बांध दिया, अगले दिन लक्ष्मण को शक्ति मार दी, राम जी के खेमे में उसने खेल खत्म ही कर दिया था, वो तो हनुमान जी ने बचा लिया। मेघनाद का कैरेक्टर बड़ा जबरदस्त था। उसकी जो पत्नी थी सुलोचना, भारत के इतिहास में उसका नाम भी बहुत आदर के साथ लिया जाता है। तो जब मेघनाद को लक्ष्मण ने मारा और मेघनाद के मरने की सूचना सुलोचना के पास गई तो सुलोचना को विश्वास नहीं हुआ। उसने कहा कि कौन हो गया धरती पे ऐसा आदमी जिसने मेरे पति को मार दिया, मेरे पति को तो कोई मार ही नहीं सकता, कि मैं देखना चाहती हूँ उन्हें कौन है। कहते हैं कि उन्होंने सम्मान के साथ उसका सिर वापस किया था। तो सुलोचना आई तो राम जी ने और लक्ष्मण जी ने झुक के प्रणाम किया सुलोचना को, और जितनी देर वो खड़ी रही कुछ बात करी होगी उसने, तो उसने कहा कि चलो मैं वापस चलती हूँ, जो उसके साथ आए थे सेवक, मुझे विश्वास हो गया कि मार दिया होगा इन दोनों युवाओं ने। बोले क्यों? जितनी देर में इनके सामने खड़ी रही ना, एक बार भी इन्होंने अपनी नजर उठा के मेरी आंखों में नहीं देखा, मेरे चेहरे पे नहीं देखा, इनकी दृष्टि मेरे पैरों पे रही। तो जिसका चरित्र इतना उज्जवल होता है ना, कोई ऐसे चरित्र वाला व्यक्ति ही मेरे पति का वध कर सकता था, मुझे दिख गया इनके चेहरे से कि इनमें वो बात है। तो राम और लक्ष्मण के चरित्र में वो शक्ति थी। तो हमारे देश की संस्कृति क्या है, मातृवत परदारेषु, पराई स्त्री है जो किसी की पत्नी है वो हमारे लिए माता के समान है। पर द्रव्येषु लोष्ठवत, जो दूसरे का धन है वो हमारे लिए मिट्टी के ढेले के समान है, मेरी मेहनत का नहीं है ना, मुझे नहीं चाहिए।